Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. तो शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन की. आई होप आप लोग अच्छे होंगे और नहा धोकर हमारा करंट अफेयर्स देख रहे होंगे. तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की. हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ. तो कंप्यूटर जी ने मोटिवेशनल कोट आपके सामने लगा दिया है. मोटिवेशनल कोट क्या है? डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंजेस योर लिमिट. जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या पीजी में आते हैं तो हम एक बात सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है और हमने अपने हिसाब से बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सब हमने डिसाइड कर लिया. ठीक, उसके अलावा हम कोई चीज़ क्यों डिसाइड नहीं कर पाते? वाई नॉट आरबीआई ग्रेड बी, वाई नॉट यूपीएससी इस तरह एग्ज़ाम? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे. तो क्या है कि हमने एक लिमिटेशंस तो बना दी. तो ये मोटिवेशनल कोट ये कह रहा है कि नहीं, ये नहीं करना है आपको. आपके जो लिमिटेशन है आपको उसे चैलेंज करना है. वाई नॉट ग्रेड बी, वाई नॉट यूपीएससी, वाई नॉट और एनी अदर एग्जामिनेशन? तो सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए. अपने जो आपको लगते हैं कि जो लिमिटेशंस है ना, एग्जैक्टली में वो बहाने हैं, वो आपने बनाए. इन बंधनों को आपको ही तोड़ना होगा, आगे आपको ही निकलना होगा, रॉकस्टार आपको ही बनना होगा. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की. और क्या क्या आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको हम दिखा दे रहे हैं. तो यहाँ पर नेशनल अफेयर्स से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट है, सब कुछ हम कवर करेंगे. और आज मुंबई में बारिश हो रही है. आप मुझे देख सकते हैं कैसी बारिश मुंबई में हो रही है. मतलब कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग भीगे हुए हैं. कल से बारिश बंद ही नहीं हो रही है. एक बात और, जिनको भी पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप एक काम करिए, हमारे www.testbook.com के साइट पर जाइए. वहाँ पर एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा. वहाँ पे एक बार साइन इन कर देंगे तो आप हमारे सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे आराम से. तो ये कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ में दिक्कत हो रही है तो. चलिए अरे जल नहीं है वो पानी, बाल भीगे हैं मेरे, मेरी अभी पूरे कपड़े पड़े भीगे हैं. और यहाँ पे एसी भी चल रहा है. कंप्यूटर जी मेरे दुश्मन हैं थोड़े से, तो एग्जैक्टली मैं वो चाहते नहीं कि मैं ठीक ठाक रहूँ. तो एसी बंद भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. चलिए, और इसी साथ एक कॉफ़ी मिल जाती तो और मज़ा आता कंप्यूटर जी, है कि नहीं है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और क्या क्या आपको हम पढ़ाने वाले हैं. तो नेशनल अफेयर्स से हम लोग शुरू करेंगे अपना सेशन. ठीक है, और स्टार्टिंग करेंगे अपने पहले पॉइंट से. आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे फीडबैक लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टाइम रखा था और उस टाइम को अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया. देखिए कितना. तो देखिए, द डेडलाइन टू सबमिट सजेशन ऑन ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एक्सटेंडेड फॉर अ मंथ टिल 31 जुलाई. तो 31 जुलाई तक के लिए अभी ये डेट टाल दी गई है. मतलब कि जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को या आम नागरिक को कोई फीडबैक देना है तो अब आप 31 जुलाई तक दे सकते हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 31 मई को इसका डोमेन लॉन्च कर दिया गया था. मतलब ये पॉइंट पढ़ना नहीं एग्जैक्टली, मैं आपको पढ़ना है 31 जुलाई तक के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक महीने. मतलब पहले इसकी डेट 31 जून थी. देखो और सब पूरी कहानियां हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए फीडबैक को एक मंथ के लिए बढ़ा दिया गया, यही आपको पढ़ाना था. ये पहली न्यूज़ हमारी है. ठीक, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होते, मैंने आपको बता दिया पीडीएफ डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है. थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, उसके लिए इतना कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंसेस बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है. राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, ये तो आपको पता है. लेकिन अगर पावरफुल की बात करें तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है कंपेरिजन टू राज्यसभा. लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने आते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, आपको पता है. तो देख लीजिएगा, हमारे पास पॉइंट है, हमारे पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा. तो जो बच्चे एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं उन्हें तो इसे पता ही होगा सारे पॉइंट, है ना. आगे बढ़ेंगे. मोदी कैबिनेट 2.0 17th लोकसभा लिस्ट ऑफ द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2019. तो हमने आपको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नए नए मिनिस्टर्स हैं और उनकी कौन कौन सी मिनिस्ट्री है उसकी लिस्ट हमने आपको यहाँ पर दे दी है. अच्छी लिस्ट है, आप इससे एक बार रिवाइज कर सकते हैं. और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भी इन्फॉर्मेशन देंगे. देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमने इसकी भी इन्फॉर्मेशन दी है. कभी कभी एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये भी एक जगह पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी है हमने. आप यहाँ से पीडीएफ से हमारे पढ़ सकते हैं.
जिसका देखिए जिसका भी डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ अच्छी बात, इसका नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मेल मेरे पास आ रहे हैं, तो ये सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ये कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज के दूसरे न्यूज़ की बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में एक मराठा कोटा लॉन्च किया गया था, जिसके तहत महाराष्ट्र में जो भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें मराठा मतलब महाराष्ट्रीय को 16% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इसको सही भी कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि 16% नहीं, कोटा 12-13% होना चाहिए। आइए आपको इसकी न्यूज दिखाते हैं। देखिए, द बॉम्बे हाईकोर्ट अपहिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन देने की बात संवैधानिक कर दिया कि हाँ ये सही है, ये लीगल है। लेकिन ये भी बोला, देखिए, अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस रंजीत मोरे एंड भारती डांगरे, इन्होंने बोला कि कोटा परसेंटेज जो है वो शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द प्रेजेंट 16% टू 12-13%। लेकिन मराठा कम्युनिटी का जो कोटा होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में एंड एजुकेशन में वो 12-13% होना चाहिए, न कि 16%। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन 16 से कम करना होगा और करके 12-13% करना होगा। ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दूसरी न्यूज़ थी हमारी आज की। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तो 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया तब दिल्ली का शासक कौन था? तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको देना है। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। याद कर लीजिएगा, हिस्ट्री में कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे से की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी एज्यूम द टाइटल छत्रपति इन द ईयर, शिवाजी ने किस वर्ष में छत्रपति शीर्षक ग्रहण किया था? जो चार ऑप्शन आपके पास है इसका भी आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज 1674। तो 1674 में शिवाजी ने छत्रपति का शीर्षक ग्रहण किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच पॉइंट, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसके लिए था? तो 103वां की बात करें तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 10% रिजर्वेशन के लिए था, याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101वां फॉर GST, 103वां फॉर EWS, ये भी आपको याद करना है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेशनल अफेयर्स में एक बात और करते हैं। भैया यूपी वालों सावधान हो जाओ, खासतौर से नोएडा वालों, नोएडा टू इशू रेड कार्ड फॉर हैरेसिंग वुमेन। तो महिला उत्पीड़न के लिए नोएडा पुलिस जो है वो रेड कार्ड जारी करेगी, मतलब इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स एंटी रोमियो स्क्वाड, नोएडा पुलिस विल इशू रेड कार्ड एज वार्निंग टू मैन फाउंड हैरेसिंग वुमेन इन पब्लिक बाई फॉलोइंग देम और पासिंग कमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह के घिनौने अपराध करते पाया जाता है तो उसको एक रेड कार्ड दिया जाएगा और रेड कार्ड के साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा उसका एड्रेस पुलिस नोट कर लेगी, और अगर वो व्यक्ति दोबारा सेम हरकत करते पाया गया तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएंगे। यानी कौन से शहर की पुलिस जो ऐसे लोग हैं जो कि गर्ल्स पे कमेंट करते हैं या फिर हैरेसिंग करते हैं उनको रेड कार्ड जारी करेगी, तो नोएडा होगा, ठीक। तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया है, देख लीजिएगा, जो भी नोएडा वाले हैं ध्यान रहे इसे, अंशुल पांडे ध्यान से भैया। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, तो ये पॉइंट तो आपको मालूम चल गया कि अगर वो व्यक्ति दोबारा ऐसे ही अपराध करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंट नेशनल अफेयर्स न्यूज़ 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है। बीजेपी MP मीनाक्षी लेखी ने एक नॉवल लॉन्च की है जिसका नाम है न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, और इस नॉवल को कृष्णा कुमार के साथ इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है और मतलब आपको ये याद ही होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम अंशुल को मैं इसलिए नहीं बोल रहा, वो यूपी का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यार तुम लोग क्यों से ऐसे कह रहे हो, बहुत अच्छा बच्चा है वो। चलो न्यूज़ नंबर 2 की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पुलिस स्टेशन की रैंकिंग निकाली है जिसमें कालू पुलिस स्टेशन इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान पहले पोजिशन पर है, तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे न्यूज़ की बात करते हैं, थर्ड न्यूज़, श्री हरदीप सिंह पुरी
ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन इनॉग्रेटेड द एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सेंट्रल कमांड सेंटर इन न्यू दिल्ली. तो एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सेंटर कमांड सेंटर इन न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है. इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज नेमली एयरपोर्ट एयर स्पेस एंड एयरक्राफ्ट. इनका कैसे हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं? तो हरदीप सिंह पुरी क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन. इन्होंने एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, जिसका ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया. ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, नया पॉइंट है, ये हमने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूज पर, जहां पर हम दिल्ली की बात करेंगे. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप लेसन को अनिवार्य कर दिया है दिल्ली के स्कूलों में. क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को अब पढ़ना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़े. देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू करिकुलम विथ कंपलसरी एंटरप्रेन्योरशिप लेसन फॉर क्लास 9 टू 12 इन 1024 गवर्नमेंट रन स्कूल फ्रॉम जुलाई 1. तो जुलाई 1 से एक नया सिलेबस ऐड हो रहा है, एक नया सब्जेक्ट सिलेबस में ऐड हो रहा है, कंपलसरी एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? बिजनेस, न्यू बिजनेस. तो मतलब कि बच्चों में जो 9 से 12 के बच्चे हैं, इन्हें ये कंपलसरी पढ़ना होगा. ठीक है, नॉन ग्रेडेड सब्जेक्ट है, इसके ग्रेडेड नहीं होंगे, इसे पास करना ज़रूरी होगा. और जो 3000 टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है इसके लिए. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक पाठ्यक्रम होगा दिल्ली स्कूल्स में, ये आपको याद रखना है. अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट को 1000 रुपीज मिलेंगे सीड मनी टू इनेबल देम टू डेवलप एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. तो स्टूडेंट को 1000 रुपये भी मिलेंगे कि अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हो. सीड का मतलब क्या होता है? बीज. मतलब कि आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो जो फंड आपके पास होता है स्टार्टिंग में, उसे हम सीड फंड बोलते हैं. ठीक है, 1000 रुपीज भी दिए जाएंगे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च विच एप्लीकेशन ऑन 5 मार्च टू प्रोवाइड अ रियल टाइम लोकेशन ऑफ बस स्टॉप एंड बसेस. दिल्ली सरकार ने बस स्टॉप और बसों की रियल टाइम लोकेशन प्रदान करने हेतु 5 मार्च को कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये कौन सा एप्लीकेशन था? ये था ऑप्शन नंबर 4, वन दिल्ली. वन दिल्ली एप्लीकेशन इज राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और, वेन वॉज इंडियाज कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस ईयर में स्थानांतरित की गई, यह भी आपसे पूछा गया है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यह आ चुका है बहुत बार. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1911. तो 1911 इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अब नेशनल अफेयर्स में नेक्स्ट न्यूज की. और उत्तराखंड में नए इलेक्शन नियम आ गए हैं पंचायत चुनाव के लिए. पंचायत चुनाव क्या होते हैं आपको ये पता है? तो आइए क्या क्या नियम है हम उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. देखिए, पीपल विथ मोर देन 2 kids कैन नॉट कॉन्टेस्ट पंचायत पोल्स इन उत्तराखंड. यानी ऐसे लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, अब वो उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में कॉन्टेस्ट मतलब हिस्सा नहीं ले सकते हैं. 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके भी होंगे. ठीक है, एक पॉइंट और, और कैंडिडेट को कम से कम क्लास 10th पास करना होगा अगर वो जनरल कैटेगरी का है. तो अगर आप क्लास 10th पास नहीं हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. और अगर आपके 2 से 10 बच्चे हैं तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं. उत्तराखंड की बात हो रही है यहां पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और यहां पर ओबीसी और SC/ST को क्लास स्टैंडर्ड में थोड़ी सी छूट दी गई है. क्या दी गई है आपको, हम वो दिखा देते हैं यहां पे. देखिए, तो क्या बोला गया है, देखिए, वुमेन एंड SC/ST मेल कैंडिडेट नीड पास ओनली क्लास 8, SC/ST वुमेन नीड टू पास ओनली क्लास 5 टू बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इन रूरल पोल्स. तो वुमेन एंड SC/ST मेल को केवल क्लास 8 पास करना है और SC/ST वुमेन को क्लास 5 पास करना है इलेक्शन लड़ने के लिए. तो ये भी कुछ पॉइंट हैं जो हमने आपको दे दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. अब उत्तराखंड के स्टैटिक जीके फैक्ट आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जो कि हमारे PDF में भी अवेलेबल होगा. तो उत्तराखंड को स्टेटहुड मिला है 2000 में. देहरादून इसकी कैपिटल है, देहरादून लार्जेस्ट सिटी है. त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं. और यहाँ पर अब स्टेट सिंबल आपको दिखाई पड़ रहा है. फेमस डैम तो टिहरी डैम, जो कि भगरती रिवर में बना हुआ है. इसके अलावा उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, जो कि आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं. नेशनल पार्क तो आपको उत्तराखंड के याद भी होंगे. मैंने यूट्यूब पर एक ट्रिक भी पढ़ाई हुई है, नंदा देवी है उसमें, मतलब एक ट्रिक है, जिम है, वैली ऑफ फ्लावर है, देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा. चलिए, फेमस टेंपल तो बद्रीनाथ टेंपल, केदारनाथ टेंपल, गंगोत्री टेंपल, यमुनोत्री टेंपल आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे. सिटीज़ विथ निकनेम, मसूरी. मसूरी को क्वीन ऑफ माउंटेन कहा जाता है, क्वीन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, क्वीन ऑफ माउंटेन मसूरी, याद कर लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेशनल अफेयर्स में फिर से एक नई न्यूज़. देखिए,
बिल टू फाइन पीपल फॉर ब्लॉकिंग एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों को फाइन दिया जाएगा। देखिए ये कुछ नई न्यूज़ नहीं है, है पुरानी न्यूज़ ही। दिखाई देखिए, द यूनियन कैबिनेट लीड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के बारे में मैंने आपको पहले ही कुछ क्वेश्चन दिया था। अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक किया हुआ है, लिकर लिया हुआ है और वो ड्राइविंग में पकड़ा जाता है तो उसको 10,000 की पेनाल्टी दी जाएगी। ये तो अप्रूवल था, लेकिन अब क्या बोला गया, अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देता है तो उसको भी 10,000 रुपीज़ का जुर्माना देना पड़ेगा। तो न्यूज़ वही है, बस एक पॉइंट और एड ऑन कर दिया गया है, देख लीजिए उसे और आपको ये पॉइंट याद होंगे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे। हाँ वही है, देखिए द सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी वुड बी लेविड इन द केस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग, तो 10,000 रुपये इसमें भी देने पड़ेंगे और ये बिल अभी पार्लियामेंट में पास होना बाकी है, ये बताया जा रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। आपके सामने कई बार आपने नाम सुना होगा, ये ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, स्पेशल बिल्स क्या होते हैं। आइए आपको थोड़ा सा डेफिनेशन देते हैं। ऑर्डिनरी बिल, तो दीज बिल कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल मैटर, अदर देन द फाइनेंशियल मैटर। तो कोई भी बिल पार्लियामेंट में अगर आ रहा है और वो फाइनेंशियल मैटर नहीं है तो वो ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। मनी बिल का मतलब क्या हुआ, ऐसे बिल जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स की बात करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करती है, उसे हम मनी बिल बोलते हैं। मनी बिल केवल लोकसभा में आता है, ये राज्यसभा में नहीं आता है। फाइनेंस बिल क्या होता है, तो मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में हमेशा एक कन्फ्यूजन बनी रहती है, कौन सा मनी बिल है कौन सा फाइनेंशियल बिल है। तो मनी बिल शो करता है कि भारत सरकार ये टैक्स में चेंज करेगी, ये पैसे यहाँ खर्च करेगी, लेकिन फाइनेंशियल बिल ये बताता है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने हैं तो रिसोर्स क्या है उसका। ठीक है, ये फाइनेंस बिल दिखाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या होता है यार, तो जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसके लिए था, या 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसके लिए था। तो अगर संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, इनमें से कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, क्या वित्त मंत्री या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर बिजनेस और इकोनॉमी की बात करेंगे आपसे। और बिजनेस और इकोनॉमी में आज की पहली न्यूज़ हमारे सामने क्या है, तो सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के नियम को थोड़ा सा टाइट किया है। एग्जैक्टली मैं क्रेडिट रेटिंग कंपनीज कॉन्टिन्यूस सेबी को कंप्लेन कर रही थी कि म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा जानबूझकर जोखिम में डाल रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए कुछ नियम निकाले हैं, आइए हम उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। देखिए तो सेबी की बात हो रही है, सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए अपने कुछ नॉर्म्स टाइट कर दिए हैं। ये नॉर्म्स क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इट केम एज अ रिएक्शन टू अ सीरीज ऑफ क्रेडिट रिलेटेड इवेंट दैट पुट इन्वेस्टर मनी एट रिस्क, मतलब वही बात हो रही है कि इन्होंने इन्वेस्टर का पैसा रिस्क पे थोड़ा डाला हुआ था। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पहला पॉइंट ध्यान देना है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए कुछ नियम स्ट्रिक्ट किए हैं। नियम क्या स्ट्रिक्ट किए हैं वो देख लीजिए। देखिए, सेबी सेड म्यूचुअल फंड कंपनीज विल नाउ बी मैंडेट टू इन्वेस्ट इन ओनली लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। देखिए दोस्तों, डिबेंचर क्या होता है, अगर आपने मेरी कैपिटल मार्केट पार्ट टू क्लास नहीं देखी है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में। डिबेंचर का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं ये इससे उधार लेती हैं। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी उधार लेती है। दोस्तों नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपको आपने डिबेंचर लॉन्च किया, मैंने उसमें पैसा लगाया, तो मैंने आपको लोन दिया है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और अगर आप मेरे पैसे वापस करने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करते हो, आप मेरे डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देते हो। मान लीजिए मैंने 10,00,000 रुपए आपको उधार दिए थे, तो आप मुझे करोगे 10,00,000 वापस नहीं करोगे, आप मुझे अपने कंपनी का 10,00,000 शेयर दे दोगे। इसे हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। यहां का लिखा है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, मतलब ऐसा डिबेंचर जो शेयर में इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और लिस्टेड का मतलब क्या हुआ, देखिए लिस्टेड का मतलब होता है कि कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, सेबी उसको जानती है। अभी क्या हो रहा था कि म्यूचुअल फंड कंपनी नॉन लिस्टेड कन्वर्टिबल डिबेंचर में ही पैसे लगा रही थी, तो सेबी ने मना कर दिया। सेबी ने बोला कि आप केवल लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में ही पैसा लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर सेबी के बारे में। तो सेबी के बारे में बात करें तो सेबी हमारे देश के कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, आपको ये पता ही है। 1988 में इसको बनाया गया था, लेकिन सेबी को पावर कब मिली है? सेबी को पावर मिली है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है, अजय त्यागी चेयरमैन है और आनंद राजेश्वर बैवार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेबी के। तो सेबी वाला पॉइंट आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़े और अब बात करते हैं आपसे लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, हमारे देश में किस किस सेक्टर्स को कौन कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है। तो अगर आप बैंकिंग की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में सारे बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल करती है। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, शेयर्स की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें, तो सेबी याद कर लीजिएगा। और इन दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई मुंबई में है, ठीक। हमने चेयरपर्सन का भी नाम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक गवर्नर का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें इंश्योरेंस सेक्टर IRDAI के अंडर में आता है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में देख लीजिएगा, ठीक। पेंशन कंपनीज, पेंशन कंपनीज PFRDA के अंडर में आती हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर इसके हेड है। अगर बात करते हैं फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड रिस्पॉन्सिबल है, हेडक्वार्टर मुंबई में, हर्ष कुमार भनवाला इसके हेड है। और अगर हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो इनके लिए सिडबी है, हेडक्वार्टर लखनऊ में सिडबी का है, ठीक। तो सिडबी ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ें, अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, रीता टीटोटिया इसकी हेड है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो BIS न्यू दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। और एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सब भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी का जब बुरा वक्त होता है तो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करें तो BCCI, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हेडक्वार्टर मुंबई, निमेश शाह इसके हेड हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे ऑर्बिटरीज की, तो कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका निधन हो गया है, उनकी बात कर लें। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लेडी दिख रही है, ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है, इनका नाम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से, ठीक। तो एमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट एंड सेक्रेटरी ऑफ द गांधी आश्रम ट्रस्ट इन जयाग नोखाली बांग्लादेश, इनका नाम है झरना धारा चौधरी। ये गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थी, बांग्लादेश में रहती थी और बांग्लादेश में गांधी आश्रम ट्रस्ट की ये सेक्रेटरी थी, इनका निधन हो गया है। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी, याद रखिएगा झरना धारा चौधरी, याद रखिए नाम, बांग्लादेश की हैं ये, ठीक है। और गांधी जी के प्रिंसिपल से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। फॉर्मर बंगाल क्रिकेटर श्याम सुंदर मित्रा पास्ड अवे इन जून 2019। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन बना कि श्याम सुंदर मित्रा क्या थे, तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थे, बेसिकली ये क्रिकेटर थे, तो ये भी आपको याद रखना है नाम, ठीक। लिस्ट ऑफ ऑर्बिट्री अप्रैल 2019, हमने मई की ऑर्बिट्रीज की पूरी लिस्ट आपको कई बार दी है, आज हम अप्रैल की दे रहे हैं, यानी रिवीजन करने के लिए आपको हम ये दे रहे हैं। तो नेम ऑफ द पर्सनालिटी और उनका फील्ड, तो कौन सी फेमस पर्सनालिटी जिनका अप्रैल में निधन हुआ है, वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, उसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट हमने आपको यहाँ पर दी है टेबुलर फॉर्म में, याद कर लीजिएगा इजिली से। और PDF में हमारे होगा, मैंने बोला आपसे, और PDF डाउनलोड कैसे होगी, अगर डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा www.testbook.com पे जाइएगा, वहां पे एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे एक बार साइन अप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली आपके जो रेलवे के एग्जाम्स हुए, तो रेलवे के एग्जाम्स में या SSC के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिंघी खब्बास सिंधु फेस्टिवल की बात कर रहे हैं जो लेह में हुआ। तो सिंघी खब्बास सिंधु महोत्सव लेह जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपसे स्टेट पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर, अगर रीजनल एरिया पूछा तो लेह हो गया आपका। तो लेह में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। सिंघी खब्बास सिंधु फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन लेह ऑन 28 जून। तो लेह में इंडस रिवर के किनारे पर ये सेलिब्रेट हुआ, आपको बस इतना पढ़ना है, और ये सब पढ़कर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल फेस्टिवल किस एरिया किस स्टेट में हुआ इतना ही याद करना है आपको, इतना याद कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए तो आपको थोड़ा सा फेस्टिवल पर रिविजन करा देते हैं, ठीक है। तो मेला खीर भवानी फेस्टिवल,
ये भी अभी कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। मेला खीर भवानी फेस्टिवल, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही सेलिब्रेट किया गया। आगे बढ़े, बिहू। बिहू जो है वो असम का स्टेट फेस्टिवल है और अप्रैल में ये सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू असम, तो ये भी आपको लर्न होगा। आगे बढ़ें तो प्रयागराज कुंभ मेला 2019 जो हुआ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया तीन सेक्टर्स के लिए, लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट एंड बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म। इसके लिए प्रयागराज कुंभ मेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया इस बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द सेवेंथ एडिशन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल बिगिन ऑन फरवरी 7 इन कोल्हापुर। सेवेंथ एडिशन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल बिगिन इन कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ होता है, ये भी मुंबई में होता है। काला घोड़ा फेस्टिवल लार्जेस्ट मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल, ये मुंबई में सेलिब्रेट होता है काला घोड़ा फेस्टिवल। ठीक, आगे बढ़े। फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो कि पुलिकट लेक के, पुलिकट लेक मतलब पुलिकट लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये सब रिविजन के पॉइंट हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे और स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम हॉकी की बात करेंगे। सेंट्रल रेलवे एंड यूनियन बैंक एमर्ज चैंपियन, यानी एक ही टूर्नामेंट के लिए सेंट्रल रेलवे और यूनियन बैंक कैसे जीत सकता है। तो सेंट्रल रेलवे ने फीमेल वाली ट्रॉफी जीती है और यूनियन बैंक ने मेल वाली ट्रॉफी जीती है। कौन सा टूर्नामेंट था उसके बारे में आपको बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंट पीटर्स यूथ सेंटर ओपन हॉकी टूर्नामेंट मुंबई, सेंट पीटर्स यूथ सेंटर ओपन हॉकी टूर्नामेंट मुंबई में हुआ, जहां पर सेंट्रल रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे को हरा दिया। वुमेन्स फाइनल की बात कर रहे हैं। तो सेंट पीटर यूथ सेंटर ओपन हॉकी टूर्नामेंट जो मुंबई में हुआ, उसमें अगर महिलाओं की बात करें तो सेंट्रल रेलवे ने इस खिताब पर कब्जा किया, और वहीं अगर मेल की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यह टूर्नामेंट जीता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता। कौन सा टूर्नामेंट? सेंट पीटर्स यूथ सेंटर ओपन हॉकी टूर्नामेंट, याद कर लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओलंपियन प्रीति यादव वॉज एडजस द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो प्रीति यादव को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जो कि ओलंपियन है, ये हॉकी खेलती है इंडियन टीम से, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यूनियन बैंक के बारे में बात करें तो 1919 में इसको फाउंड किया गया। आपको बताया इसका इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1919। हेडक्वार्टर मुंबई में है। श्री राज किरण राय जी ये एमडी सीईओ हैं, गोपाल सिंह गुसैन एंड मानस रंजन बिस्वाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक, और अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है। इन द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी मैन सीरीज फाइनल इंडिया रूटेड रशिया 10-0 इन द ओपनिंग मैच इन जून 2019, द मैच वॉज हेल्ड एट। देखिए अब सुनिएगा, हॉकी मेन सीरीज फाइनल कहां पर हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर भुवनेश्वर होगा। भुवनेश्वर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ये भुवनेश्वर में हुआ, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, हु हैज वन अ गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 1500 एट फोल्कसम ग्रैंड प्रिक्स 2019। ये एक दौड़ की स्पर्धा थी और इसे किसने जीता, गोल्ड मेडल किसने जीता, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पीयू चित्रा। पीयू चित्रा ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, ये एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था आपके लिए। आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं विराट कोहली पर। तो विराट कोहली बिकम फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 20,000। विराट कोहली 20,000 रन बनाने वाले पूरे वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने टोटल जो इनिंग ली है वो ली है 417 इनिंग, मतलब इसमें टेस्ट भी है, इसमें वनडे भी है, इसमें T20 भी है। इस इतने इनिंग में इन्होंने 20,000 रन पार किए और इन्होंने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा 453। 453 मैचेस लिए थे सचिन तेंदुलकर ने भी और ब्रायन लारा ने भी ये 20,000 रन बनाने के लिए, लेकिन विराट कोहली ने केवल 417 मैच में ही कारनामा ये कर लिया। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 37 रन बनाते ही वो 20,000 रन के पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया, जो 417 एंड 453, ये भी आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज और, राहुल द्रविड़ इज द थर्ड फास्टेस्ट इंडियन ऑन द लिस्ट ऑफ प्लेयर, मतलब पहले पे विराट हो गए, दूसरे पे सचिन हो गए, तीसरे पे राहुल द्रविड़ हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट न्यूज पे लेके चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंडिया डिथ्रोन्ड विच कंट्री टू राइज टू द टॉप ऑफ ODI रैंकिंग इन जून 2019, यानी भारत ने किस देश को पछाड़ कर एक दिवसीय रैंकिंग में टॉप प्लेस
हासिल कर लिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके सामने है और आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर थ्री, मतलब इंडिया ओडीआई में और टेस्ट में दोनों में फर्स्ट रैंक पर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और, विराट कोहली वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द विच टाइटल बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन 22 जनवरी 2019। तो विराट कोहली को इसमें से कौन सा खिताब दिया गया, तो आपको पता है ये क्या इसका आंसर होगा, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब डिफेंस की बात करेंगे, डिफेंस में बेसिकली हम मिसाइल की बात करेंगे। पृथ्वी टू टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली, तो पृथ्वी टू मिसाइल का इंडिया ने अभी परीक्षण किया, एक सफल परीक्षण किया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपको बस याद करना होता है कि कहां से परीक्षण हुआ, देखिए तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजीनियसली डेवलप न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल पृथ्वी टू एज पार्ट ऑफ अ यूजर ट्रायल बाय द आर्मी फ्रॉम अ टेस्ट रेंज ऑफ द ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट में कहां पर, ओडिशा कोस्ट में आईटीआर चांदीपुर, तो चांदीपुर से अग्नि टू मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी हाल ही में अग्नि टू मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसका परीक्षण कहां से हुआ, तो इसका परीक्षण कहां से हुआ, ओडिशा चांदीपुर से हुआ, तो ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। अग्नि टू मिसाइल के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ये 500 से 1000 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है अपने साथ, तो ठीक है देख लीजिएगा, हमें इसे कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ओडिशा के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको देना चाहेंगे। ओडिशा को 1936 में स्टेटहुड मिला, कैपिटल भुवनेश्वर, लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं एंड गवर्नर गणेशी लाल हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है, यहाँ पर स्टेट सिंबल आपको दिए गए हैं। फेमस डैम्स की बात करें तो इंद्रावती डैम, महानदी रिवर, हीराकुंड डैम, इंद्रावती डैम एंड हीराकुंड डैम दोनों के दोनों ओडिशा में हैं और ये बड़े डैम्स हैं। रिवर आपके सामने है, इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर पे बना है और हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर से देखिए, फेमस एयरपोर्ट तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर ओडिशा में है, ओडिशा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और स्टेडियम की बात करें तो बारामती स्टेडियम जो कि कटक में है और बेसिकली ये क्रिकेट के लिए आना जाता है ये, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, फेमस टेम्पल्स, कोणार्क सन टेम्पल देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कोणार्क सन टेम्पल किस स्टेट में है, तो ओडिशा में है, ठीक। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये भी पॉइंट याद करना है आपको। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने आपको दी है, सिंपली पाल नेशनल पार्क भीतरकनिका आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ओडिशा में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ते हैं, हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 फॉर हिज लीडरशिप रोल इन द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। भारतीय मिसाइल कार्यक्रमों में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम अवार्ड इसमें से किसको दिया गया। पांच ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप क्या देंगे, वेरी गुड आंसर आना शुरू हो गया, इसका आंसर है जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, अग्नि है, नाग है, आकाश है, पृथ्वी है, इसका भी आंसर आपको देना है और इसका आंसर क्या होगा, नाग। देखिए आकाश मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक, सरफेस टू एयर मिसाइल। नाग की बात करें, हेलिना नाग, तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। डीआरडीओ हेड है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्रीमेंट और एमओयू की बात करेंगे, क्या है देखिए यहाँ पर, देखिए तो इंडिया साइन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक, यानी भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, क्या है देखते हैं यहाँ पर। देखिए तो इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ रुपीज $400 million विद द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प ट्रीट एंड एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री। आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि भारत सरकार ने 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया से ख़त्म करने का निर्णय लिया है, एक फैसला लिया है, तो वर्ल्ड बैंक इसमें इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है और वर्ल्ड बैंक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए $400 million की हेल्प कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक। इन इंडिया अराउंड 5 lakh पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, 5 lakh लोग पर एनम मतलब हर साल मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो यार $400 million वर्ल्ड बैंक दे रहा है, याद रखना आपको जरूरी है।
ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट हमें याद हो जाएगा, हम आगे बढ़ें और बात करते हैं आपसे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक जो भी रिपोर्ट या इंडेक्स पब्लिश करता है, हमने उसकी लिस्ट आपको दी है और इंडिया की रैंक कितनी है ये दी है। तो देखिए ये सारे रिपोर्ट और इंडेक्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक हर साल पब्लिश करता है, तो ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहीं पर एक क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया, कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 24 मार्च, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन, द बैकिलस दैट कॉज टीबी मैकोबैक्टीरियम टीबी वॉज डिस्कवर्ड बाई विच पर्सन, यानी टीबी उत्पन्न करने वाला कीटाणु मैकोबैक्टीरियम टीबी की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके पास हैं, यानी इन्वेंशन पे ये क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट कोच इज राइट आंसर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक पॉइंट, इंडिया आंध्रा एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट, तो भारत सरकार, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $328 मिलियन, यानी वर्ल्ड बैंक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को $328 मिलियन का लोन दे रहा है। क्यों दे रहा है, इट विल हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस इन आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में पब्लिक हेल्थ सर्विस को और अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड बैंक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को लोन दे रहा है $328 मिलियन, याद रखना है आपको ये पॉइंट। इसके पहले ट्यूबरक्लोसिस के लिए $400 मिलियन, यही मैंने आपको पढ़ाया आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको हमने कल भी बताया था, इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, ये पॉइंट आपको लर्न करना है। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इतना याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक लोन एग्रीमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर से देखिए, अब राजस्थान गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, कितना अमाउंट है देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड $250 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर द राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट। तो राजस्थान स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड बैंक $250 मिलियन लोन एग्रीमेंट दे रहा है राजस्थान गवर्नमेंट को, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यानी वर्ल्ड बैंक, राजस्थान गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $250 मिलियन लोन एग्रीमेंट। यानी राजस्थान की बात हमने की, आंध्र प्रदेश की बात हमने की और ट्यूबरक्लोसिस की बात हमने की यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 766 किलोमीटर जो हाईवेज हैं उनको इम्प्रूव और मेंटेन और अपग्रेड किया जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान स्टैटिक जीके फैक्ट की बात कर लें यहाँ पर। तो राजस्थान को 1950 में स्टेटहुड मिला था, जयपुर कैपिटल है एंड जयपुर सबसे बड़ी शहर भी है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कल्याण सिंह गवर्नर हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है यहाँ की। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर आपको स्टेट के सिंबल तो दिए ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगर, तो फेमस एयरपोर्ट, तो महाराजा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में है इसका फेमस एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ का है। सर इसका नेशनल पार्क आपको यहाँ पर हमने दिए हैं, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। फोक डांस घूमर यहाँ का है, तो ठीक है, ये आपको याद करना है, पूरा हमारे PDF पे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये सब, देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की हम बात थोड़ी सी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो PB आचार्य वॉज स्वॉर्न इन एज गवर्नर ऑफ मणिपुर एट राजभवन इन इम्फाल। तो PB आचार्य ने गवर्नर ऑफ मणिपुर का एक थोड़े टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, नजमा हेप्तुल्ला छुट्टी पर है, नजमा हेप्तुल्ला की जगह PB आचार्य कुछ टाइम के लिए मणिपुर के गवर्नर होंगे, तो ये देख लीजिए यहाँ पे बताया गया आपको, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नागालैंड के स्टैटिक जीके फैक्ट आपके सामने हैं। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। 1963 में इसको स्टेटहुड मिला था, ठीक है, देख लीजिएगा सब पॉइंट हमारे PDF में होगा। PDF को कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा हाईलाइट पे लेके चलते हैं आपको, और एक्स्ट्रा हाईलाइट में आपको मार्कस ट्रस्कॉथिक की बारे में बात करते हैं। शायद आप इन्हें जानते होंगे, इंग्लैंड के बड़े धुआंधार ओपनर बल्लेबाज थे, चाहे टेस्ट चाहे वनडे हो, इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मार्कस ट्रस्कॉथिक, इनको इंग्लैंड में बज लाइटियर के नाम से भी जानते थे। देखिए यहाँ पर, तो मार्कस ट्रस्कॉथिक ने 43 ईयर में संन्यास की घोषणा कर दी है, इतना याद कर लीजिएगा। ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के ये ओपनर बल्लेबाज थे, ठीक। आइए न्यूज़ नंबर 2 की बात करते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह ऑनर्ड ऑन हिज 180th डेथ एनिवर्सरी, तो महाराजा रणजीत सिंह को उनकी 180वीं पुण्यतिथि पर सम्मानित किया गया। महाराजा रणजीत सिंह की हम बात कर रहे हैं, देखिए
स्टैचू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह द लेजेंडरी रूलर ऑफ पंजाब वॉज अनवील एट द लाहौर फोर्ट ऑन हिज 180th डेथ एनिवर्सरी. तो 180वें डेथ एनिवर्सरी पर लाहौर फोर्ट पर उनके एक प्रतिमा का अनावरण किया गया. करीब 500 लोग वाघा बॉर्डर पार करके गए थे इस फंक्शन में, ये भी आपको बताया जा रहा है. तो देख लीजिएगा 180th डेथ एनिवर्सरी लाहौर फोर्ट महाराजा रंजीत सिंह की हम बात कर रहे थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. मुंबई इन टॉप 20 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द एशिया फॉर एक्सपेक्ट्रिएट. प्रवासियों के लिए एशिया के शीर्ष 20 महंगे शहरों में मुंबई को स्थान दिया गया है. लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर देखिए यहाँ पर सबसे महंगा शहर कौन सा है. तो कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर इज हांगकॉन्ग. तो हांगकॉन्ग सबसे महंगा शहर है, फॉलोड बाय टोक्यो मतलब दूसरे नंबर पे, सिंगापुर तीसरे पे और सीएल चौथे नंबर पे. अगर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई जो है 67th पोजीशन पे आता है, 67th पोजीशन में. टोटल 209 कंट्री में सर्वे किया गया तो पूरे वर्ल्ड में मुंबई 67th नंबर पे है, जो कि प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है. ठीक, आगे देखें यहाँ पर. अगर हम सबसे सस्ते शहर की बात करें प्रवासियों के लिए तो सबसे सस्ता शहर है ट्यूनिस, उसके बाद ताशकंद, उसके बाद कराची. कराची 207वें नंबर पे आता है. टोटल 209 कंट्री के बीच में सर्वे किया गया था. अच्छा, और देख लीजिए यहाँ पर. न्यू दिल्ली 118th प्लेस पर, चेन्नई 154th प्लेस पे, बेंगलुरु 179th प्लेस पर, कोलकाता 189th प्लेस पर. ठीक है, और मुंबई 67th प्लेस पर. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है याद करने वाला. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा लाइट में नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. तो इंडियन वुमेन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया. तो भारतीय महिला ने जीता मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब. इनका नाम क्या देखिए, तो इनका नाम है प्रिया सिराव. प्रिया सिराव जो कि इंडिया बॉर्न है, इन्हें मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब मिला है. ये पॉइंट देख लीजिएगा. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बेला काजिम्बा और विक्टोरिया स्टेट की मारीजाना रेड मैनोविक ये सेकेंड और थर्ड प्लेस पर रही. तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है. आगे बढ़ते हैं, G20 समिट की बात करते हैं. जापान ओसाका में शुरू हुआ G20 समिट. तो G20 समिट के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कहाँ पर शुरू हुआ, ओसाका जापान में. ठीक, इस बार की G20 की समिट की थीम क्या है, इस बार की थीम है ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी. ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी इस बार की थीम है. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो G20 में 90 कंट्री हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन है, जिसे मिलाकर 20 देश कहा जाता है. तो 2020 का G20 समिट रियाद सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, 21 का इटली करेगा, 22 का इंडिया करेगा. ये भी देख लीजिएगा, 19 का जापान कर रहा है, जापान आफ्टर दैट सऊदी अरेबिया, उसके बाद इटली, उसके बाद इंडिया. ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. देखिए WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है. तो अभी तक क्या है कि अभी तक 2011-12 WPI का बेस ईयर है, मतलब इस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है. लेकिन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं देख लेते हैं यहाँ पर. देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप फॉर द रिविजन ऑफ द करेंट सीरीज ऑफ WPI. मतलब WPI जो 2011-12 है, इसका ईयर चेंज करने की बात हो रही है. प्रोफेसर रमेश चंद्र जो कि एक नीति आयोग के मेंबर हैं, वो इस कमेटी को लीड करेंगे. इस कमेटी में 18 मेंबर हैं और ये कमेटी 2017 कह रही है WPI का बेस ईयर होना चाहिए, 17-18 होना चाहिए. ठीक, प्रोफेसर रमेश चंद याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट याद करना ज़रूरी भी है. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं सीधे, शायद MCQ शुरू होंगे. अब रुक जाइए, ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं इस पर रुक नहीं रहा हूँ. ये याद करिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, मैं हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे. पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है. देखिए तो हु वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन June 2019. यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एज अ मेंबर कौन चुने गए हैं, ये आपसे पूछा गया. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन नंबर 2, कल मैंने आपको पढ़ाया. चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं. रिसेंटली जी विजया निर्मला पास्ड अवे, शी वॉज अ एन. तो जी विजया निर्मला जो है, इनका निधन हो गया है. ये क्या थी, ये आपसे पूछा गया है. पॉलिटिशियन, डायरेक्टर, जज, स्पिरिचुअल लीडर एंड बैडमिंटन प्लेयर. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डायरेक्टर. मैंने कल पढ़ाया था कि इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है. 44 मूवियों का डायरेक्शन उन्होंने किया था.
Next question. According to an analysis of the country's food and nutrition security, almost one in how many Indian children under 5 years will still be stunned by 2022 going by current trends. तो मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3. तो देख लीजिए, 3 में से एक बच्चा जो होगा 5 साल के अंदर अंदर 2022 तक वो अविकसित पैदा होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. So, who has been approved for the appointment as the head of the intelligence bureau in June 2019? तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए. इसका आंसर होगा अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर 2. अरविंद कुमार इज राइट आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the beekeeping development committee, what is the rank of India in the world in terms of honey production? तो देखिए क्या इसका आंसर होगा. ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, तो ये पॉइंट देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 8th. इंडिया 8th नंबर पे हनी प्रोडक्शन के मामले में. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज द इंटरनेशनल एमएसएमई डे ऑब्जर्व? एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे? एंड द राइट आंसर इज 27 जून, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Department of Revenue, Ministry of Finance is hosting a meeting of expert working group on Paris Pact initiative in which country? तो मैंने कल ही आपको बताया था कि ये अफगानिस्तान में हुआ. अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट स्टे सेफर फीचर फॉर इट्स यूजर? तो कल की न्यूज है, ये गूगल मैप्स ने लॉन्च किया, हमको ये पता है. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया अनाउंस्ड एन एम्बिशियस एम टू सेटअप 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय विच ईयर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2030, ऑप्शन नंबर 4. आपको पढ़ाया गया पॉइंट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द 32nd कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन किक स्टार्ट इन जून 2019? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ये कहां पर हुआ? ये हैदराबाद में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्ट्रिप्ड ओलंपिक स्टेटस फ्रॉम द ट्रबल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी AIBA. AIBA इज नियर बैंकरप्ट विथ डेब्ट ऑफ अबाउट हाउ मेनी मिलियन यूएस डॉलर? ये भी पढ़ाया गया आपको, इसका आंसर क्या होगा? $17 million, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द बिम्स्टेक डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जून 2019? बिम्स्टेक डे कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो ये ढाका में किया गया था, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट, देखो ये पॉइंट मुझसे स्किप हुआ था, देख लो. अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल द हाउ मेनी लाख ग्राम पंचायत इन द कंट्री? तो भारत नेट परियोजना के तहत देश में सभी कितने लाख ग्राम पंचायतों में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है, मतलब इतने ग्राम पंचायत में भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है? एंड राइट आंसर इज 2.5 लाख ग्राम पंचायत. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेबकॉस एक गवर्नमेंट कंपनी है. वेबकॉस ने जून 2019 में सिरी फोर्ट नई दिल्ली में अपना कौन सा जयंती मनाई? तो इन्होंने अपनी गोल्डन जुबली, मतलब 50 साल एस्टेब्लिशमेंट के मनाए, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड बैंक कमिट हाउ मेनी मिलियन लोन फॉर उत्तराखंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था उत्तराखंड के लिए कितना पैसा, उत्तराखंड के लिए कितना पैसा, उत्तराखंड के लिए $31.58 million, ये भी आपको मैंने कल पढ़ाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक हैव इंडोर्स्ड इंडियास बिड फॉर UNSC नॉन परमानेंट सीट? मतलब एशिया पैसिफिक की कितनी कंट्री ने इंडिया का सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट सीट के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 55 कंट्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन इंडिया? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आज होगा, मतलब 29 जून इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच न्यूज़पेपर इज द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज डेली इन द वर्ल्ड? इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है और आंसर आपको दिखा दे रहा है. एंड द राइट आंसर इज द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following was named as the new chairman of Internet and Mobile Association of India? कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये Amazon India के हेड हैं, इनका नाम क्या है? अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. When was रिसर्च एंड एनालिसिस विंग established? रॉक का establishment ईयर क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि रॉक के चीफ अभी नए अपॉइंट हुए हैं. तो इसका आंसर होगा 1968. चलिए मैं आपको PDF दे रहा हूँ, मंडे को आपसे मुलाकात होगी 7:30 पे विथ 100 MCQs ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि हमारे इस वीक का होगा, यानी आपका छोटा सा टेस्ट होगा. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 7:30 में और मिलके धमाल में जाते हैं. थैंक यू सो मच गाइज़.